बस्मिल्ल रनिम सो वी डूइंग एडवास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और इसमें हम बात करेंगे आज एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट की दैट इज रिस्क अवॉइडेंस वर्सेस रिस्क रिडक्शन इसका ज़रा थोड़ा आप लोग अपने माइंड में एक मैप बनाएं बिफोर वी एक्चुअली जंप एंड टू वेट एक चीज़ है अवॉइड करना और एक है उसको रिड्यूस करना इट्स ईजी टू बी कि जी आप एक चीज़ रिस्की है उसको अवॉइड कर लें बट वेन वी से रिड्यूस तो फिर हम बात करें कि उसको कम करें ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं इसका जो लॉजिक हमने बनाना है वो ये है कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट आर दे एंड देन वी हैव टू सी वट डायरेक्शन वी आर गोइंग टू टेक सो लेट्स मूव विद इट रिस्क एवॉयस एंड रिस्क रिजेक्शन आर टू वेज टू मैनेज रिस्क दोनों का मकसद रिस्क को ही डील करना है दे आर देयर फॉर द रिस्क टू रिस्क अवॉइडेंस डील्स विद एलिमिनेटिंग एनी एक्सपोजर ऑफ रिस्क दैट इज अ पोटेंशियल लॉस रिस्क रिडक्शन डील्स विद रिड्यूसिंग द लाइवलीहुड एंड सरिटी ऑफ द पॉसिबल लॉस एक क्या बात कर रहा है कि रिस्क को अवॉइड कर जहां पे पॉसिबल लॉस का चांस है आप उस तरफ जाए ना अवॉइड कर दें उसको मेन एम इज टू कंप्लीटली डोंट टेक दैट डायरेक्शन रिस्क रिडक्शन कहते हैं कि आप उसका जो लाइकली लाइकलीड्स जो इसका चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उसको रिड्यूस करें वो हम पे कितना इम्पैक्ट कर सकती है उसको रिड्यूस करें यानी कि मेन इज टू रिड्यूस एंड मैनेज रिस्क दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ द रिस्क रिडक्शन तो ये दोनों का जो व्यू है ये बड़ा एक स्पेसिफिक व्यू है एंड द रिस्क मैनेजमेंट स्टडी इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज रिस्क अवॉइडेंस इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी दैट दैरी अ रिस्क रिस्क अवॉयडेंस मेथडोलॉजी टू मिनिमाइज वर्नेबिलिटीज़ विच कैन पोज अ थ्रेट कि जो चीज हमें रिस्क लगे रिस्की लगे जो हम पे इम्पैक्ट कर सकती है वो आप काम ना करें डोंट डू दैट थिंग विच कैन ब्रिंग यू एनी लॉस डोंट डू दर्थ थिंग विच कैन हैव अडवर्स इम्पैक्ट रिस्क अवॉइडेंस एंड मिटिगेशन कैन बी अचीव थ्रू पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आप रूल्स बना दें पाथ्स बना दें ट्रेनिंग करें एजुकेट करें एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के ये हमने ये काम किस तरह करना है दिस इज़ द वे विच वी मूव टूवर्ड्स एवॉयडेंस के ये हमने अपने रूल्स बार बैरियर्स जो हैं वो लगा दिए हैं कि ये हमने रिस्क को एवॉइड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज एट इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू बाय स्टॉक इन ऑयल कंपनी की ऑयल कंपनी का एक वो स्टॉक खरीदना चाह रहा है बट ऑयल प्राइस हैव बीन फॉलिंग सिग्नीफिकेंटली ओवर द पास फ्यू मंथ्स के लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेप आ रही है ऑयल की जो प्राइसिस हैं उसमें आ रही है तो दोलिटिकल रिस्कोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल कंट्री लेवल पे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर पोलिटिकल रिस्क हैं और उसके स्पेसिफिकली उसके साथ अटैच है एंड क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद ऑयल कंपनी और उस ऑयल कंपनी की अपनी जो डील्स हैं उसमें भी क्रेडिट रिस्क हैं कि दे विल नॉट बी गेटिंग द मनी दे आर एंटाइटल टू उनके रिसीवेबल्स के भी रिस्क आर देयर सो एक ऑयल की अपनी फॉल का रिस्क दैन पोलिटिकल रिस्क फैक्टर दैन द अर्निंग फैक्टर्स ऑफ द कंपनी जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं तो ही असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑयल इंडस्ट्री एंड डिसाइड टू अवॉइड टेकिंग द स्टेक इन दैट कंपनी तो उसने भी डिसाइड किया गया इन्वेस्टर ने कि जी इसमें बड़े रिस्क है मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो ये रिस्क अवॉइडेंस है कि आई आफ्टर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर पर्टिकुलर रिस्क वी डिसाइड वैट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन अक्सर पोर्टफोलियोज ऐसे हमने देखे हैं जो के कहते हैं हमने सिर्फ बॉन्ड्स में या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है हमने शेयर मार्केट में जाना ही नहीं दो बॉन्ड मार्केट के अपने कुछ रिस्क हैं बट डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स हैव देयर अदर स्पेसिफिक एंड हायर रिस्क तो उन्होंने कहा जी हमने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमने बॉन्ड मार्केट में रहना है हमने इक्विटी में जाना नहीं दिस इज रिस्क अवॉइडेंस कि वी आर डोंट एंटरिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट बिकॉज ऑफ इट्स रिस्क एरियाज तो हमने रिस्क अवॉइडेंस कर लिया स्टॉक मार्केट में गए ही नहीं तो स्टॉक मार्केट के रिस्क जो है वो हमने सारे अवॉइड कर लिए इन कंट्रास्ट रिस्क रिडक्शन क्या है रिस्क रिडक्शन डील विद मिटिगेटिंग द पोटेंशियल लॉसेस कि इसमें कितने जो लॉसेस हो सकते हैं उसको आप रिड्यूस करें रादर देन नॉट एक्चुअली टेकिंग द पाथ फॉर एग्जाम्पल सपोज एट इन्वेस्टर ऑलरेडी ओन्स ऑयल स्टॉक कि उसके बाद एक ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं ऑयल कंपनीज के तो वो जो अवॉइडेंस वाला था वो तो कहता था बस निकले इसमें हमने करना ही नहीं लेकिन ये तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो दैट मीन्स दे हैव इट इन देर बेल्टो देर इज अ पोलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन स्टॉक्स का भी और अनसिस्टमेटिक रिस्क उस कंपनी का भी है ये हमने पहले वही सिचुएशन की बात कर अब यहाँ पे क्या हो सकता है ही कैन रिड्यूस रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग हिज पोर्टफोलियो कि वो अपने शेयर को जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कंपनी में जो रखी हुई थी उसको स्प्रेड आउट कर दे बाइंग स्टॉक इन अदर इंडस्ट्रीज कुछ टेक्सटाइल के ले ले कुछ बैंक ले ले तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो वो एक कंपनी का जो रिस्क था वो डाउन हो जाएगा डाइवर्सिफाई अवे हो जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क ख़त्म हो जाएगा और बल्कि ऐसी कोई चीज़ ले ले जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो वो उसका और ज़्यादा बेनिफिट होगा वी नॉट टू एंगेज रिस्क मैनेजमेंट अ पर्सन मस्ट क्वान्टिफाई एंड अंडरस्टैंड एयर लाइबिलिटी कि हमें क्या क्या लाइबिलिटीज हैं हमें क्या क्या रिस्क हैं वो हमेंगेज करने होते हैं पहले एंड देन वी टेक मईर्स टू रिड्यूस दैम ये जो हम लोगों का मेन कोर्स हम पढ़ रहे हैं वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रिस्क रिडक्शन रादर देन रिस्क एवॉइड दिस एवैल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट डिफिक्ट एस्पेक्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान तो ये पूरे टास्क का सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिस्क है क्या उनका कितना इम्पैक्ट हो सकता है वंस यू एबल टू क्वान्टिफाई देन यू आर एबल टू डू मई डू टास्क टू सेफ का इट इज़ क्रूशियल टू वेल बींग ऑफ सम एसेड टू इन श्योर अंडरस्टैंड फुल स्कोप ऑफ योर रिस्क आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से रिस्क हैं हमें वो कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं

फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर कैन प्रोटेक्ट हिज लॉन्ग पोजिशन बाई प्रोटेक्टिंग हम और हम क्या करें पुट ऑप्शन खरीद लें पुट ऑप्शन पर हमारा पूरा मॉड्यूल है कि हम क्या करें कि राइट टू बाय ले लें उस शेयर का कि अगर प्राइस उसकी गिरेगी तो हमारी पुट ऑप्शन से हमें बेनिफिट हो जाएगा तो इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल ड्रॉप अगर वैल्यू गिर गई तो वी विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फ्रॉम द पुट ऑप्शन तो हमें वो लॉस नहीं आएगा गिरने का तो हमने अपने आपको सेफ गार्ड कर लिया प्राइस ऊपर जाएगी तो वो हमें बेनिफिट तो है ही स्टॉक का तो ये हमें एप्रिसिएशन का एडवांटेज भी आ गया डाउन साइड को हमने अपने कैप्चर कर लिया तो ये है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क हेजिंग और रिस्क रिडक्शन इफ़ पोजीशन डिक्रीज इन वैल्यू उसकी पोजीशन जो आपकी पुट ऑप्शन है वहाँ से वो शेयर की वैल्यू तो गिरेगी लेकिन पुट से बेनिफिट हो जाएगा तो वो ऑफसेट हो जाएगा तो ये आपका टूल है जो आपको हेल्प करेगा थैंक यू